9.4.3 धातुओं का शोधन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अपचयन से प्राप्त धातु में अशुद्धियां होती हैं। इस धातु को अशुद्ध या अपरिष्कृत धातु इम्प्योर मेटल कहते हैं। धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु शोधन या धातु परिष्करण कहलाती है। धातु शोधन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला, भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड्स। इसके अंतर्गत मुख्यतः द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। क, द्रवण, लिक्विफिकेशन। शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टिन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है। धातु पिघलकर नीचे बह जाती है और अशुद्धियां वहीं रह जाती हैं। ख, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। धातु में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। जोन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलेय होती हैं। इस विधि से गोल्ड, सिल्वर तथा प्लैटिनम को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके एक सिरे को वृत्ताकार उष्मक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं। उष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियां पहुंच जाती हैं तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्धि युक्त दूसरे सिरे को काट कर पृथक कर दिया जाता है। दूसरा, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। कुछ धातुओं का रासायनिक विधियों द्वारा भी शोधन किया जाता है। अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धन आयन, धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुलते जाते हैं। विलयन में घुलने के बाद यह आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियां प्रायः अघुलनशील होती हैं। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम होता जाता है तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंक या कीचड़, एनोड मड कहते हैं। चित्र 7। इस विधि का प्रयोग क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक आदि धातुओं के शोधन हेतु किया जाता है। क्रियाकलाप 4। तांबे की दो अलग अलग मोटाई के तार लीजिए। दोनों तारों पर यदि कोई परत हो तो उसे रेगमाल पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए। मोटे तार को एक सेल के धन सिरे से तथा पतले तार को ऋण सिरे से जोड़ दीजिए। दोनों तारों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर रख दीजिए। ध्यान रहे कि विलयन के अंदर ये तार एक दूसरे के संपर्क में न रहें। कुछ देर बाद अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या तांबा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गया? किस इलेक्ट्रोड में तांबे की मात्रा में कमी हुई और किस में वृद्धि? इसी प्रकार जब धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है तब धातु ऋण इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है। 9.5 लोहा, आयरन। लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और लौह युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। लोहा एक सक्रिय धातु है
तथा यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नाटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पाइराइट FeS2 इत्यादि।